बोटाद में हनुमान जी मंदिर खाते श्रीमद भागवत कथा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। बोटाद शहरना तुरखा रोड पर ना सरमाड़िया हनुमान जी मंदिर खाते बोटाद शहरना समस्त भैयाजी समाज द्वारा 3 ऑक्टोबर थी 10 ऑक्टोबर सुधी श्रीमद भागवत कथानु आयोजन करायु हतु। आ भागवत कथा में श्रीधाम वृंदावनना आचार्य आनंदजी महाराज द्वारा व्यासपीठ उपर बिराजी पोताना सुमधुर कंठे संगीतना सथवारे कथानु रसपान करायु हतु। 10 ऑक्टोबरे कथानी पूर्णाहुति समय विशाल संख्या में श्रोताजनो उपस्थित रहा हता अने कथा हूँ बोटाद सामळिया हनुमान मंदिर नो महंत गुरु श्री रामभूषणदास बापू सामळिया हनुमान बोटाद तुरखा रोड आ भागवत सप्ताह कानपुर बदा भैया यूपी मध्य प्रदेश ग्रुपना बदा भैया लोको लादी घसवावाला कलर काम पाणीपुरी वाला बदा भाईओ भैया लोको आ कथा नो आयोजन राख्यो छे। भागवत सप्ताह नो केटला दिवस सप्ताह आ 7 दिवस ने सप्ताह भागवत सप्ताह छे अने काले पूर्णाहुति छे। आ हनुमान जी मंदिर सामळिया हनुमान समळी गाम हतुं पछी आ गामना जापाना हनुमान जी हता एटले आ हनुमान जी नुं नाम समळिया हनुमान राख्युं। केटला वर्ष पुराणी आ हनुमान जी नी मूर्ति स्वयं प्रगट थयेली छे। 500 वर्ष पहेलानी आ मूर्ति छे, आनो कोई इतिहास नथी। बोटादमां जेटला हनुमान जी छे ए पहेलाना आ हनुमान जी छे, આનો કોઈ ઇતિહાસ નથી। અને હું અહીં મારા ગુરુજીને દેવ થયા 25-26 વર્ષ થયા છે અને હું અહીં સેવા પૂજા મહંત તરીકે રહું છું અને ગૌશાળા ગાયો મારા 60-70 ગાયું છે, ગાયોની સેવા કરું છું, દૂધ વગરની ગાયો છે, આયા ગયા સાધુ સંતોને અતિથિને એની સેવા કરું છું અને દાદાની સેવા કરું છું। અને આ જે કાંઈ સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે એ અનાસુરથી થઈ ગયું છે, આ દાદાની દયા છે। हनुमान जी की प्रेरणा से समस्त भैया जी को प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा की वजह से सब इकट्ठा हो गए, समस्त लोगों ने मिलके कथा कराई और रोज शाम के समस्त भंडारा सबके लिए चलता है। दादा की दया से सब अच्छी तरह संपन्न हुआ। आज 7वां दिन है कथा का, आज शाम को विराम होगा। रोज का 800-900 लोग आता है, भोजन भंडारा सब सबके लिए परिपूर्ण चल रहा है, बहुत अच्छी तरह हुआ सब। केवट ने रुपया दिया था सेठ जी को 8 दिन के लिए, तो भगवान ने कहा सुनो सेठ जी आज 7वां दिन है, आज समापन होगा, कल हवन होगा। फाइल में आज भी वो रसीद।